यूपीएससी की परीक्षा में खुलेआम नकल करने का मामला सामने आया है। ग्रुप में नकल करते हुए कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो नजर आए हैं। नकल करने का सीसीटीवी भी सामने आया, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो सामने आया है नकल करते हुए। यहाँ पर बच्चे जो है नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक भी नकल कराते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम ने फुटेज के आधार पर अब एफआईआर दर्ज कर ली है। परीक्षा रद्द करने के लिए कलेक्टर को पत्र भी लिखा है, यानी कि आने वाले समय में अगर एक्शन देखा गया तो ये परीक्षा जो है वो रद्द हो सकती है। जिस तरह की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये देखिए आप, वीडियो सामने आया है। यहाँ पर बच्चे ग्रुप में नकल करते हुए नजर आ रहे हैं और जो ड्यूटी पर तैनात है उन्हें भी किसी भी तरह का फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब इसमें एक्शन देखना होगा किस तरह से लिया जाता है। यह शिकायत मिल रही थी कि यहाँ जो है लगातार बड़े स्तर पर नकल कराई जा रही है। अगर जांच की तो यहाँ निश्चित तौर पर जो है नकल पाई गई है। अलावा जब यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखी है तो उनमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि बच्चे एक टेबल पर 5 से 6 बच्चों का झुंड बनाकर और पर्यवेक्षक उनको गाइडों के माध्यम से, किटों के माध्यम से नकल करवा रहे हैं। इवन केंद्र अध्यक्ष जो है, जब उसको सूचना मिल जाती है कि गाड़ी आ रही है, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो शायद वो किसी डमी कैंडिडेट को बाहर निकाल रहा है। यानी कि मूल विद्यार्थी की जगह पर डमी कैंडिडेट भी परीक्षा दे रहे हैं यहाँ, या डमी छात्र परीक्षा दे रहे हैं। ये क्राइम है। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, इन तस्वीरों में देखिए आप, बच्चे नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता सुशील भी जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी है, कहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है? ग्रुप में बच्चे अपनी अपनी टेबल को छोड़कर यहाँ पर ग्रुप में नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में जरा जानकारी दीजिए, कौन से स्कूल का ये मामला है और वीडियो सामने आने के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है? जी आपको बताऊँ, दबोह में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र था। यहाँ पर विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही थी जीवाजी यूनिवर्सिटी की, जिसमें प्राइवेट स्कूल था सिद्धपुर के बी आर अम्बेडकर कॉलेज, स्वयं प्रभा कॉलेज और दुर्गा प्रसाद सरना कॉलेज, तीन कॉलेजों के छात्र यहाँ पर परीक्षाएं दे रहे थे। टीएससी का पेपर था यहाँ पे। उसी दौरान एसडीएम जो भैया यादव है वो अचानक चेकिंग के लिए पहुंचे तो परीक्षा कुछ परीक्षार्थी नकल करते हुए मिले, तो उन्होंने उनके तीन परीक्षार्थियों को फॉरम भरकर उनके नकल पकड़ बना दिए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जब कैमरों को उन्होंने फुटेज निकाले तो उसमें साफ दिख रहा था कि यहाँ पर जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से जो फेक चल रही है। कुछ परीक्षार्थी है फर्जी भी बैठे हुए दिख रहे हैं जिनकी जानकारी उन्होंने लेने के प्रयास भी किया था। उसके बाद उन्होंने सामूहिक झुंड बनाकर जो परीक्षाएं है वो करते थे, कॉपियां लिखने की सीसीटीवी फुटेज ही मिले। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा है कि जो परीक्षा है वो रद्द किया जाए, मार्गदर्शन परीक्षा को रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। तो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि पूरा जो मामला है वो सामूहिक नकल का पूरा मामला सामने आया है, तो जो विश्वविद्यालय है उसके लिए कलेक्टर पत्र लिखेंगे और परीक्षा रद्द करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो शिक्षा जो विभाग है उसमें शिक्षा विभाग है उसकी मिली जगत के चलते पूरा मामला सामने आया है कि उसमें परीक्षा में जो परीक्षा हॉल में जो परीक्षा करा रहे थे वो उन्हीं प्राइवेट स्कूलों के छात्र से, कॉलेजों के छात्र से, इस जो प्रोफेसर थे वो परीक्षाएं करा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मिली भगत, ऊपर से मिली भगत के चलते वही कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो परीक्षाएं कराने देने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और जो अतिथि शिक्षक थे जो दबोह विद्यालय महाविद्यालय के, वो भी परीक्षाएं करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई प्रस्ताव करने के लिए कलेक्टर जी ने कलेक्टर पत्र लिखने की जो एसडीएम है वो कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा हुआ है। बिल्कुल सुशील, देखिए तीन कॉलेजों के छात्रों का ये सेंटर था, तो क्या कितनी बड़ी कार्रवाई इसमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि यहाँ जो महाविद्यालय की परीक्षा है उनकी जो कार्रवाई है वो विश्वविद्यालय जीवाजी यूनिवर्सिटी की ओर से प्रस्तावित होगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी पर पूरी कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको बता दूं, भिंड जिला चंबल का जो अंचल का भिंड जिला था वो 2016 तक बोर्ड परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम रहा था। यहाँ पर जो तीन अधिकारियों की टिकड़ी 16 में जो यहाँ पे पदस्थ हुई थी, कलेक्टर इलैया राजा की, जिला पंचायत सीईओ प्रवीण सिंह और जो पुलिस अधीक्षक नवनी वसीम, उन्होंने जो बोर्ड परीक्षा दी उसमें नकल को इस तरीके से विवेचना की थी, नकल बिल्कुल समाप्त कर दी थी। या तो आज तक बोर्ड परीक्षाओं में नकल का नाम नुकसान मिट चुका है, भिंड जिला नकल की दागे बदनाम हो चुका था। लेकिन महाविद्यालय की जो परीक्षा में नकल का जो नकल जो विजुअल सामने निकल कर रहा है, तो उससे लग रहा है कहीं ना कहीं चंबल का अंचल का जो भिंड जिला है एक बार फिर नकल के दंश से फिर पीड़ित होने वाला है। और कहीं ना कहीं नकल का जो प्रचलन है वो भिंड में फिर से शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं संगठित तौर से शुरू हो रहा है। जिसमें विश्वविद्यालय को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई से ही नकल का जो मामला है वो जो सामने आते रहे वो जरूर कहेंगे। जी चलिए, नजर बनाकर रखेगा, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो